बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामी। मुझे बहुत सारे लोगों ने अदरक की काश्त के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए, तो उनमें एक सवाल, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा अदरक की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बहुत दफ़ा छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेकिन एक साहब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपसे मैंने खादों के बारे में कोई सिफारशात जो आप करते हैं उसके बारे में पूछा था अदरक के लिए, और वो आपने मुझे मैसेजेस किए थे वो सारे मुझसे डिलीट हो गए। मैंने सोचा बजाय इसके कि उसको भेजूं, जिसने डिलीट ही कर दिए उसने फिर डिलीट कर देने हैं, बेहतर है कि एक ऐसा प्रोग्राम कर दूं और जो भी अदरक की क्रॉप लगाना चाह रहे हैं और उनके लिए ये मैं बता दूं कि फी एकड़ हम क्या सिफारशात करते हैं इस अदरक के लिए। इसके लिए मैं दो फार्मूले देता हूँ। एक फार्मूला ये है कि आप सिंगल सुपर फास्फेट 5 बैग पर एकड़ डालें और प्लस इसके 1 बोरी यूरिया या 2.25 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट ये डालें, प्लस 2 बैग इसमें पोटाशियम के, पोटाशियम सल्फेट, सल्फेट ऑफ पोटाश वो मिल जाती है, तो पोटाशियम वाली कोई भी म्यूरेट ऑफ पोटाश मिले, सल्फेट ऑफ पोटाश मिले, SOP कोई भी हो, वो 2 बैग पर एकड़ वो यूज़ करें। यानी 5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट SSP और 1 बोरी यूरिया या 2.25 बोरी अमोनियम नाइट्रेट और 2 बोरी आपने पोटाश डालनी है। ये है एक फार्मूला। और दूसरा फार्मूला देता हूँ जिसमें जो है नाइट्रोफास का यूज करेंगे। 2 बोरी यानी 2 बैग नाइट्रोफास प्लस 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट इंस्टेड ऑफ 5 बैग सिंगल, ये दूसरे फार्मूले में आपने 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट प्लस वही पोटाश वाली वही 2 बोरियाँ रखनी है, 2 बैग्स पोटाश, ये आपने ये तमाम खादें जमीन की जो आखिरी तैयारी है उसके वक्त आपने इस्तेमाल कर, लैंड प्रेपरेशन जब आपने सोइंग से पहले जब जमीन फुल तैयार करनी है उस वक्त आखिरी तैयारी में ये आपने ये उसके दौरान यूज करनी है। अब रहा इसकी बिजाई के बाद, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अदरक को बिजाई कर दी उसके 4-5 हफ्ते बाद आपने 2.25 बोरी यानी 3/4 हिस्सा बोरी का, या कहेंगे 0.75% जो है यूरिया, 3/4 हिस्सा यूरिया बोरी का, या 1/4 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम इसलिए कहता हूँ, बस दफा लिखा होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ना हो तो लिखा होगा अमोनियम नाइट्रेट, और साथ उसके 5 किलोग्राम आपने जिंक सल्फेट 12 से लेके 15 हफ्ते बाद बरसात शुरू होने से पहले आपने ये डालनी है, ठीक है। यानी 4-5 हफ्ते बाद यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट और पोटाश और जिंक सल्फेट ये आपने डाल देनी है, और 12 से 15 हफ्ते बाद बरसात शुरू होने से पहले वो फिर क्या क्या डालना है, उस वक्त आपने 2.25 बोरी यूरिया या
सवा बोरी अमोनियम नाइट्रेट या फिर और प्लस नामियाती माल गली सड़ी गोबर की खाद अगर दस्तियाब हो तो वो भी डाल दें। ये है एक कीमियाई खादों का इस्तेमाल अदरक में। और बाकी तो मैंने हर चीज दे रखी है कि आपने बुवाई के फौरन बाद आपाशी करनी है और फिर 7 से 10 दिन या मौसम के मुताबिक आप वक्फा रख सकते हैं मुनासिब आपाशी का, और फालतू पानी खेत में खड़ा नहीं होने देना, ये याद रखें, वरना पौधे जो होते हैं ना वो सूख जाते हैं। ये मैं अपनी पहली वाली भी जो बना रखे प्रोग्राम्स अपलोडेड हैं उनमें बता रखा है। फिर भी कोई आपको कोई सवाल खादों के सिलसिले में हो तो प्लीज़ पहले वाले मेरे प्रोग्राम सारे देख लें, उनमें से आपको नामियाती खादों का सारा बताया हुआ है हर चीज़। अब कीमियाई खादों का चूँकि गुजरांवाला से कोई साहब हैं वो बार बार ये इसरार कर रहे थे कि नहीं जी मुझसे तो डिलीट हो गए हैं वो, तो मैंने कहा बजाय इसके कि मैं अब वो उसको ढूंढ के फिर दूँ तो फिर वो डिलीट कर दे, तो मैंने एक ऐसे एक नया ही प्रोग्राम आपको की खदमत में पेश कर रहा हूँ, उनको भी लिंक भेज दूंगा, डिलीट करना चाहे तो कर दें और रखना चाहे तो रख लें, लेकिन ये YouTube पे मौजूद रहेगा और जितने भी लोग अदरक लगाएंगे उनके लिए ये एक रहनुमा असूल हैं और ये सिफारिशात हैं, रिकमेंडेशंस हैं और हमारे साल हा साल के तजर्बात की रोशनी में। और ये मेरा एक छोटा सा किताबचा, मैंने ये जिंजर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये मैंने ये किताबचा, ये छोटे छोटे किताबचे मैंने, चूँकि जब मैं डायरेक्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र था और साथ ही साथ आई वाज रनिंग ए प्रोजेक्ट वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का था, उसमें मैंने बहुत सारे ये ब्रोशर छुपवाया था, लोगों तक पहुँचाया और 250-300 के करीब ये फ्री में ये किताबचे देता रहा हूँ। लेकिन अब चूँकि 11 साल हो गए मुझे रिटायर्ड हुए तो ये देख रहा था, ये मेरा डिफरेंट हॉर्टिकल्चर सीरीज़ का सीरियल नंबर है 24, ये जिंजर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अगर किसी को चाहिए हो तो उधर से NARC में जाके वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंस्टीट्यूट, पता नहीं अब उसका नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है, API है समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ से आप डॉक्टर अशरफ साहबजादा की जब आप देखेंगे सारी पब्लिकेशंस या वहाँ से इनकी फोटोकॉपी करवा के आप ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने YouTube पे दे रखी हैं। ठीक है, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें, फ़ी मान अल्लाह।